सम्मानित खड़ा परिषद के हमारे प्रतिनिधिगण, आपका स्वागत करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद बैठक में हमें प्रारंभ होने वाली है। कार्यक्रम के कार्यक्रम को समारंभ करते हुए अनुरोध किया गया है कि मैं माननीय मेला अधिकारी अखाड़ा परिषद के हमारे, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को, पुनः अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर मौजूद थे और कुंभ की तैयारियों की दृष्टि से जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया है और तमाम जो हमारे अखाड़ों के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी समस्याएं भी हमको बताई हैं और सरकार इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमने जो फंड यहाँ के लिए अनुमोदित करना था काफ़ी बड़ी मात्रा में कर भी लिया गया है, रिलीज भी कर लिया गया है, टेंडरिंग भी हो गई है और कई काम यहाँ पर प्रारंभ भी हो चुके हैं। कुंभ बेहतर हो, बढ़िया हो, हरिद्वार कुंभ अपनी अलग पहचान को लेकर के और अलग मानदंड स्थापित करे हमारी कोशिश रहेगी। तमाम यहाँ की स्वच्छता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सड़कें हैं, ये सब दुरुस्त हो जाए उसके लिए टारगेटेड सबको काम दिया गया है। एक समय पर काम ये पूरे हो जाने चाहिए। जो अस्थाई नेचर के काम हैं उनके बारे में भी विचार किया जाए। अखाड़ा परिषद ने और हमारे जो अखाड़ों के प्रतिनिधि थे उन्होंने इस पर अपनी मोटे तौर पर अपनी सहमति दी है कि जो कुंभ के इस बार जो मेला हो तो तमाम जो हमारे अखाड़े हैं वो मुख्य जो धारा है नील धारा उसके बाएं तट पर जो चंडी पुल है उससे ऊपर नीचे की तरफ उस पर मोटे तौर पर सहमति बनी। देखिए अभी काम अभी प्रारंभ हुए हैं और अधिकारियों के निर्देशित किया गया है कि आप शिफ्टों में चाहे आवश्यकता हो काम करिए लेकिन काम कुंभ से पहले वो पूरे हो जाने चाहिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार इस कुंभ में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी होंगे और उसी दृष्टि में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी संयुक्त अध्यक्षता में हुई है जिसमें सभी बिंदु विचार किया गया है और शासन प्रशासन ने कहा है कि आपके सभी मांगे मांग ली गई हमारी और तत्काल वह मांगे पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य प्रारंभ हो रहा है, कुंभ मेले के 6 महीना पहले कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए हमने ये कहा है कि यदि सारी व्यवस्था यदि शासन देता है सारे अखाड़ों के अनुरूप उनके सुविधा अनुसार तो सारे अखाड़े वहाँ जाएंगे, ये मैंने कहा है। वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन जहाँ 3 बैरागियों कैंप की बात है उनका लिखा पढ़ी भी चालू हो गई है, बाकी अखाड़ों की बात है जमीन ढूंढी जा रही है, जहाँ पर्याप्त जमीन मिलेगी उनको दी जाएगी।